solve for x. X square minus sine was sine 3 greater than equal to 0. X square minus 10 was 10 4 less than equal to 0. And dot dot dot. तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं कंसंट्रेट करिए लाइक मैं पहली प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस साइन वर्स साइन थ्री तो इसमें जो कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि साइन वर्स साइन थ्री जल्दी से हम क्या लिख देते हैं थ्री लिख देते हैं तो वो गलती ना हो इसलिए मैं प्रॉब्लम्स ले रहा हूं कंसंट्रेट करिए थ्री नहीं होता साइन वर्स साइन थ्री थ्री नहीं होता साइन वर्स की मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई टू पॉसिबल है ये कैसे लिखा जाएगा साइन वर्स साइन वेरिएबल मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा साइन वर्स साइन वेरिएबल का जो नेचर है वो कैसा होता है ध्यान से देखिए साइन वर्स साइन वेरिएबल का नेचर पीरियडिक है और विद फंडामेंटल पीरियड टू पाई है और ये ऐसा कुछ रहता है ऐसा ग्राफ आता है इसका टू पाई पीरियड होता है ज्यादा आगे नहीं बना रहा जरूरत ही नहीं है ये जीरो है ये पाई है ये टू पाई है एंड ये मेरे पास वाई इक्वल टू साइन वर्स साइन वेरिएबल साइन वर्स साइन वेरिएबल का नेचर ऐसा होता है साइन वर्स साइन थ्री को क्या लिखा जाए इसकी ये प्रॉब्लम दी गई है कंसंट्रेट करिए तो थ्री है पाई 3.14 होता है पाई बाई टू 1.57 तो थ्री यहां कहीं होगा तो ये जो डेफिनेशन है मेरे पास इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई तो साइन वर्स साइन थ्री की जो वैल्यू आती है मेरे पास साइन वर्स साइन थ्री की जो वैल्यू है वो कितनी आती है इस ये एक्स है ये थ्री नहीं होती माइनस एक्स प्लस पाई साइन थ्री की वैल्यू कितनी आएगी माइनस थ्री प्लस पाई ठीक है ना तो ये जो इनइक्वलिटी बनी मेरे पास वो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस पाई माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड पाई थ्री से ज्यादा है नेगेटिव आ गया तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ पाई माइनस थ्री आसान है का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सेम इसी टाइप की प्रॉब्लम्स हैं इसी पर फोकस किया गया है इन प्रॉब्लम्स में इसे मैं क्या लिख सकता हूं एक्स माइनस रूट ऑफ पाई माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस रूट ऑफ पाई माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो अब ध्यान से समझिए या तो ये दोनों के दोनों टर्म्स पॉजिटिव हों या दोनों के दोनों टर्म्स नेगेटिव हों तो दोनों के दोनों टर्म्स पॉजिटिव कब होंगे जी यहां पर रूट ऑफ पाई माइनस थ्री लिख दिया मैंने एंड यहां पर लिख दिया माइनस रूट ऑफ पाई माइनस थ्री एंड या तो ये दोनों के दोनों टर्म्स कैसे हों पॉजिटिव हों पॉजिटिव तो और या एक टर्म नेगेटिव आ जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव तो फाइनल आंसर क्या आएगा एक्स इज एलिमेंट ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू माइनस रूट ऑफ पाई माइनस थ्री यूनियन यूनियन रूट ऑफ पाई प्लस माइनस थ्री टू इनफाइनाइट ये मेरे पास फाइनल आंसर होगा कोई दिक्कत है सिंपल सी इनइक्वलिटी है रेस्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी या तो दोनों के दोनों टर्म्स पॉजिटिव हों या दोनों के दोनों टर्म्स नेगेटिव हों तो जब एक्स रूट ऑफ पाई माइनस थ्री से ज्यादा होगा जिन लोगों को रेशनल इनइक्वलिटी नहीं आती है उनके लिए बता रहा हूं तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और जब एक्स माइनस ऑफ रूट ऑफ पाई माइनस थ्री से कम होगा तो ये टर्म भी नेगेटिव हो जाएगा ये भी नेगेटिव हो जाएगा दैट्स वाई प्रोडक्ट क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा और मुझे ऐसे एक्स ही सॉल्व करने हैं जब प्रोडक्ट क्या हो या तो जीरो या पॉजिटिव ठीक है तो ओनली डेफिनेशन पे बेस्ड था सभी में यही है कि इसको ढंग से लिखा जाए एक प्रॉब्लम और लेता हूं मैं ध्यान से देखिए अगर मैं सॉल्व करना चाह रहा हूं किसे एक्स स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स कॉस फाइव थोड़ा फास्ट करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो कॉस इनवर्स कॉस वेरिएबल कैसा होता है पीरियोडिक विद फंडामेंटल पीरियड टू पाई और इसका नेचर कैसा आता है ये y इक्वल टू एक्स लाइन इस टाइप से टू पाई रहता है ये पाई कॉमा पाई है और ये क्या है y इक्वल टू एक्स लाइन है और ये क्या है टू पाई कॉमा जीरो है और ये y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू पाई लाइन है सही है फाइव कहां होगा फाइव यहां कहीं होगा तो ये डेफिनेशन काम करेगी मेरे पास तो कॉस इनवर्स कॉस फाइव ही मेन क्रैक है कॉस इनवर्स कॉस फाइव की वैल्यू कितनी आएगी कॉस इनवर्स
cos 5 की मेरे पास वैल्यू आएगी माइनस 5 प्लस 2 पाई, सही है। तो ये एकदम सेम प्रॉब्लम बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 2 पाई माइनस 5, ये कैसा है, पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड इसका मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 2 पाई माइनस 5 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एकदम सेम टाइप की इनइक्वालिटी बन गई है, तो दैट्स व्हाई मैं आंसर डायरेक्टली लिख रहा हूं। आंसर क्या आएगा, एक्स इज एलिमेंट ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू माइनस रूट ऑफ 2 पाई माइनस 5 यूनियन रूट ऑफ 2 पाई माइनस 5 टू इनफाइनाइट, सही है। तो ये दो प्रॉब्लम्स मैंने लिए हैं, लाइक एक और चलो सॉल्व करते हैं, कंसंट्रेट करिए, लास्ट वन सॉल्व कर देते हैं, बाकी तीन ये हो गया है, ये हो गया है, और इसे और कर लेते हैं, और एक दो तीन असाइनमेंट हो गए, अपने आप करना। कॉस इनवर्स 3 कॉट इनवर्स कॉट 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3 कॉट इनवर्स कॉट 4, कॉट इनवर्स कॉट 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें भी मेन टारगेट क्या है, ये इस प्रॉब्लम में भी मेन टारगेट क्या है कि कॉट इनवर्स कॉट 4 किसके बराबर है, ऑब्वियसली वो 4 के बराबर नहीं होता, तो मुझे वो नेचर देखना चाहिए कॉट इनवर्स कॉट वेरिएबल का। कॉट इनवर्स कॉट वेरिएबल कैसे देखेंगे, कॉट इनवर्स कॉट वेरिएबल कैसा होता है, कॉट वेरिएबल नहीं, कॉट इनवर्स कॉट वेरिएबल है भाई, कॉट इनवर्स कॉट वेरिएबल कैसा होता है, पीरियोडिक विद फंडामेंटल पीरियड पाई। और नेचर कैसा आता है, नेचर आता है इसका 0 टू पाई, ऐसा चलता है, ऐसा चलता है, सही है। और ये किस पर नॉट डिफाइंड होता है, ये पाई है, ये 0 इन पर नॉट डिफाइंड होता है, पाई पे, टू पाई पे भी नॉट डिफाइंड है, ऐसे चलता है। तो कॉट इनवर्स कॉट वेरिएबल ये पाई है, ये 2 पाई है, तो डेफिनेशन ये वाली काम करेगी, ये कितनी है, x माइनस पाई, सही है। तो ये जो वैल्यू है ये मेरे पास कितनी आएगी, इसको समझिए, 4 यहां कहीं होगा, तो इसकी जो वैल्यू है ये मेरे पास क्या आएगी, 4 माइनस 5, तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 4 माइनस 5। तो अगेन सेम इनइक्वालिटी बन गई, ये मेरे पास क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस कितना बन गया 12 माइनस 3 पाई, और इसका रूट का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये पॉजिटिव है। तो एकदम सेम इनइक्वालिटी बनी है, जैसे x माइनस रूट ऑफ 12 माइनस 3 पाई एंड x प्लस रूट ऑफ 12 माइनस 3 पाई, तो इसका आंसर भी मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, एकदम सेम है ऊपर जैसा, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस रूट ऑफ 12 माइनस 3 पाई यूनियन रूट ऑफ 12 माइनस 3 पाई टू इनफाइनाइट, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, इनमें जो क्रैक है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करना आता है कि नहीं आता, वो है, वो सिंपल ही रहता है। दूसरी जो इनवर्स का यूज है वो ये है कि साइन वर्स साइन 3 3 नहीं है, टेन वर्स 10 4 4 नहीं है, मे बी 4, कॉस इनवर्स कॉस 5 मे बी 5, लेकिन मुझे ढंग से निकालना है, कोसेक इनवर्स कोसेक 2 है क्या है वो निकालना है, साइन वर्स साइन 2 है क्या है वो मुझे निकालना है, बात समझ में आ गई ना, इसे ढंग से करना है, मुझे लगता है बाकी तीनों आप लोग कर लेंगे अच्छे से। अगर यहां ये पॉजिटिव नंबर ना आती, ये नेगेटिव आ जाता तो ये हमेशा वैलिड होता, आर आ जाता आंसर, ये पॉजिटिव ना होके ये नेगेटिव आता तो एक्स स्क्वायर प्लस पॉजिटिव नंबर आर आ जाता, हमेशा पॉसिबल होता, बात समझ में आ गई नहीं, समझ आ गए, ठीक है ना। तो डिफाइन करिए और अच्छे से सॉल्व करिए, ओके।